बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के मार्केट रीकैप की वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो व्यूअर्स, आज मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखा और मार्केट ने तकरीबन 390 पॉइंट्स की कमी के बाद 45,943 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, हमने कल भी और आज भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अलर्ट्स शेयर किए, जिसमें हमने आपको बताया था कि आप जो है अभी मार्केट में थोड़ा सा बाइंग से अवॉइड कीजिए और मार्केट में थोड़ा सा भी एक मिक्स ट्रेंड हम देख सकते हैं। तो वही उसकी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आज हमने मार्केट में देखी। लेकिन व्यूअर्स, मार्केट में एज सच कोई नेगेटिव कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। ये इसको आप एक बेसिकली करेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने 4,000 पॉइंट्स का इजाफा देखा पिछले एक महीने में। तो अभी उसमें थोड़ी सी एक करेक्शन आई है, विच इज़ अ हेल्दी साइन। तो मैक्रो लेवल्स पे कोई एज सच बुरी न्यूज़ नहीं है जिसे हम कहें कि जी मार्केट में एक शार्प डिक्लाइन आ सकता है। तो वी एक्सपेक्ट कि अभी जो मार्केट है व्यूअर्स, ये तकरीबन 45,500 600 का जो लेवल बनता है, यहाँ से तकरीबन अपने आप को स्टेबलाइज कर सकती है। और इसके बाद जो है मार्केट का अगला मूव हम देख रहे हैं, तकरीबन 48,000 का इंडेक्स हम इन द शॉर्ट टर्म देख रहे हैं कि मार्केट इसको टच कर सकती है। तो जिन क्लाइंट्स के पास अभी होल्डिंग्स पड़ी हैं, तो वो अभी थोड़ा सा उसको होल्ड रखिए और उसको डिप्स पे लॉस पे ना बेचें। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट बेहतर परफॉर्म कर सकती है। इसमें एक तो हमारे IMF के साथ नेगोशिएशंस जो हैं वो इन प्रोसेस हैं, और बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि इसमें जो है हमें एक IMF के साथ पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। उसके साथ साथ आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट में कहा कि जी हम रुपये को डॉलर के मुकाबले में फर्दर डिप्रिशिएट नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसर्न था कि ये फिर 182 से 186 के लेवल पे आया है। तो ये कुछ मार्केट में थोड़ा सा एक दो न्यूज़ हैं जो इसके सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव कर सकती है। तो व्यूअर्स, एक चीज़ आपने अब बड़ी केयरफुली देखना है कि मार्केट की जो भी अपवर्ड मूव होगी व्यूअर्स, उसमें दो सेक्टर्स बड़ा कैटलिस्ट या की रोल प्ले करेंगे। एक सीमेंट सेक्टर है और दूसरा रिफाइनरी सेक्टर है। तो व्यूअर्स, सीमेंट सेक्टर में मैंने कल की वीडियो में आपके साथ कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, जिनमें कुहार सीमेंट, पायनियर सीमेंट, उसके साथ साथ चिरार सीमेंट था, वो तीन चार रिकमेंडेशंस आपको दी हैं। फिर उसके बाद जो आपका रिफाइनरी सेक्टर है, उसमें हम आपके साथ लर्ज शेयर कर चुके हैं कि आप ATRL और NRL में जो है इसमें लॉन्ग पोजिशन रखें। इसके साथ साथ सिनर्जी का शेयर भी अच्छा लग रहा है, इसमें भी आप थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन रख सकते हैं। तकरीबन महीने डेढ़ की अगर आप पोजीशन रखते हैं, तो ये आपको एक अच्छा यहाँ से गेन मिल सकता है। उसके साथ साथ व्यूअर्स, GGL, TPL प्रॉपर्टीज़ और TRG, ये तीन शेयर्स हैं जो कि आपको आइंदा आने वाले दिनों में एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल इनमें नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, नथिंग टू वरी, अभी ऐसा ये सिर्फ एक करेक्शन है फिलहाल, और इंशाल्लाह इट इज़ एक्सपेक्टेड कि तकरीबन 300-400 पॉइंट्स की अगर फर्दर मजीद करेक्शन होती भी है, तो वहाँ से मार्केट जो है वो बाउंस बैक कर सकती हैं, क्योंकि आगे अब ईद की छुट्टियाँ भी आ रही हैं। तो अभी जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, उसको तकरीबन 1 से 1.5 महीने का टाइम हॉरिजॉन रखें, तो इंशाल्लाह इन दैट टाइम फ्रेम आपको जो है ये जो हमने शेयर सजेस्ट किए हैं, ये अच्छा एक गेन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो विद व्यूअर्स, विद दिस न्यूज़ आपको साथ फर्दर मैं अपनी एक एक्सपेक्टेशन शेयर कर दूँ कि वी एक्सपेक्ट कि ये जो इंडेक्स है, ये तकरीबन 48,000 का लेवल हम अगले 2 महीने या 1 महीने में इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स इसको मोस्ट लाइकली टच करेगा। तो इसमें आप जो भी आपकी होल्डिंग्स हैं, उसको आप अभी बेशक रखिए, और उसको आपको एक चांस मिलने वाला है कि जिसमें जाके आप उनको एक अच्छे रेट्स पे सेल कर सकते हैं। व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड आर वीडियो। आज रमज़ान की वजह से बड़ी शॉर्ट वीडियो हमने बनाई, तो इस पर अगर आपका किसी किस्म का कमेंट हो, क्वेश्चन हो, या आपका कोई क्यूरी हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो माई व्हाट्सएप नंबर। उसके साथ साथ जो जिन क्लाइंट्स ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया है, उनसे रिक्वेस्टेड है कि हमारे दो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें एक मैं चला रहा हूँ, एक सनाला सब चला रहे हैं, तो आप उनको मॉनिटर कीजिए, और उस पर हम आपके साथ टाइमली बेसिस पे अपडेट्स भी शेयर कर रहे होते हैं। तो आप उन अपडेट्स को फॉलो कीजिए, और जो हम आपको रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं, उनके मुताबिक अपने आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच व्यूअर्स फॉर द टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।